नव भारत टाइम्स न्यूज़पेपर वालों हाल ही विच NBT अवार्ड्स किए गए जिदे विच फिल्मी दुनिया दियां कई हस्तियां नजर आईयां जिन्हां नूं कि NBT नव भारत टाइम्स वालों अवार्ड्स दे के सम्मानित किया गया। यही अवार्ड्स प्रोग्राम मुंबई विच आयोजित किया गया ते बॉलीवुड सैलीब्रिटीज़ यही अवार्ड फंक्शन नूं लैके काफ़ी एक्साइटेड लग रहे सी। मीडिया नाल गल करदे होए इन्हां सैलीब्रिटीज़ ने दस्सिया कि वह वैसे तो न्यूज़पेपर रीड नहीं करते पर हाँ वह ई पेपर जरूर रीड करते हैं। इस मौके ते तापसी पन्नू काजल विकी ते होर भी कई जाने पहचाने चेहरे नजर आए। इस तो बिना इन्हां सैलीब्रिटीज ने अपने आने वाले नवे प्रोजेक्ट्स बारे भी दस्या और मिलवांदे आ तुहानू भी इन्हां सितारियां दे नाल। थैंक यू। कुछ विशेष बताएंगे आज इस अवार्ड से जुड़ी बात कोई आपने शेयर करना चाहेंगी नव भारत टाइम्स की तरफ? आई जस्ट से थैंक यू। मैं यही कहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद नवभारत टाइम्स को और चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। और आई डोंट नो ऑनेस्टली, कभी कभी लगता है कि आई डोंट नो कि मैं इतने सारे अवार्ड्स की हकदार हूँ या नहीं, बट थैंक यू। इट्स ग्रेट फन टू ड्रेस अप एंड गो फॉर एन अवार्ड एंड इट्स हाईली एंजॉयबल। जी बिल्कुल, आई थिंक दैट अखबार जो होते हैं आई थिंक दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वो बहुत बहुत देश को चलाने में कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। और जैसे मुझे लगता है कि देर आर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ कोर्स, बट आई थिंक द फैक्ट दैट जिस भाषा में ये पूरा देश चलता है वो हिंदी है एंड नवभारत टाइम्स इज़ डेफिनेटली द लीडर इन दैट। थैंक यू सो मच, बट उसके बारे में अभी बात करने में काफ़ी वक्त है तो आई थिंक वंस आई एम क्लोजर टू दैट टाइम देन आई विल टॉक अबाउट द फिल्म। जी हाँ, मेरा जन्मदिन आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। नहीं, ऐसी कोई विशेष इच्छा नहीं है, इस साल हम ज़्यादा मनाएंगे नहीं। Or so I think it's just going to be a quiet birthday at home, which is my most favorite kind, and that's all I wish for. बहुत विशेष होता है जब ऐसे इन हाथों और जो इतने ऑनरेबल पोजिशन पे हैं उनके द्वारा अगर सम्मानित किया जाए तो ऑब्वियसली स्पेशल हो जाता है, तो वो इसलिए शायद एक्साइटमेंट में जल्दी आ गया तो अच्छा लगेगा। आई मीन देखते हैं वो मोमेंट कैसा होता है। तो मैं एम्बैरेस करना मत शुरू करो मुझे, मैं फिर मतलब फिर मैं घूंघट ओढ़ के निकल जाऊंगा। हाँ अरुण, अभी अब अरुण पूछेगा कुछ धुआंधार क्वेश्चन अभी। हाँ एक दिन में मैं आजकल तो न्यूज़पेपर ही नहीं रीड कर रही हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया मैंने न्यूज़ आजकल, क्योंकि ऑन द गो तो वही सबसे ज्यादा उसके नोटिफिकेशन आते रहते हैं तो जो आते हैं पॉपअप होते हैं वो पढ़ते हैं। अभी अब वो एक्चुअली आदत छूट गई है पढ़ने की, जो कि गलत होती है। बचपन में पेरेंट्स ने तो डाली थी मेरी आदत, घर में कुछ 4-5 तरह के न्यूज़पेपर आते थे, नव भारत टाइम्स आता था घर पे मेरे दिल्ली में, अभी भी आता है। तो हाँ वो उस टाइम आदत थी, अब जब से यहाँ पर आया काम करना शुरू किया एक्चुअली तब से आदत छूट गई है पढ़ने। जिस तरीके से एक्सेप्टेंस मिली है, मतलब पैन इंडिया मिली, नॉट आई थिंक इट्स द टॉप 10 रेटेड मूवीज IMDb मूवीज ऑफ दिस ईयर। लकीली मेरी दोनों पिक्चर उस लिस्ट में आ गई, आई एम होपिंग कि बाकी दो है वो भी आ जाए। आई एम वेरी हैप्पी यार, आई मीन इट वॉज सच अ एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट, तो वो तीन लैंग्वेजेस में एक साथ रिलीज करना ही एक बहुत ही ज़बरदस्त चैलेंज होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी इट गॉट रिसीव्ड वेल। IMDb ratings are pretty good and साल मेरा आधा अच्छा निकल गया, बाकी आधा देखते हैं कैसा निकलता है, पता चल जाएगा अभी कुछ जल्दी। या ऑलमोस्ट देयर, अब याद मत लाओ, एक साल और बूढ़े होने वाली हूँ मैं। फॉर मोर एक्साइटिंग अपडेट्स कीप वॉचिंग स्टार कैनेडा टीवी।